गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके आगे पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नीड यानी आवश्यकता एवं महत्व। जैसा कि तुलनात्मक सिद्धांत के आधार पर यह बिल्कुल जाहिर हो चुका है कि हर राष्ट्र विदेशी व्यापार में संलग्न है। कोई भी देश पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। उसे अन्य राष्ट्रों के साथ कुछ ट्रेड करना ही होता है, चाहे वह डेवलप्ड स्टेज में है या अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड की जहाँ तक हम बात करें, जो अविकसित राष्ट्र हैं या विकासशील देश हैं, उन देशों को तो आवश्यक रूप से अपनी इंटरनल डिमांड को पूरा करने के लिए, आंतरिक मांग को पूरा करने के लिए विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना ही होता है, आयात करने ही होते हैं। लेकिन विकसित देशों की भी कुछ ऐसे कारण हैं जो उनको विदेशी व्यापार करने के लिए नीति बनाने का कार्य करते हैं। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है, क्यों विभिन्न राष्ट्र आपस में व्यापारिक लेन देन करते हैं, वस्तुओं सेवाओं का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। उसके कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम कुछ कारणों को देखते हैं। उन कारणों में सबसे पहले आता है प्राकृतिक कारण, नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल कॉजेज। उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसा कि हमने लास्ट टाइम के टॉपिक में भी ये देखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज इंटरनेशनल ट्रेड का एक बेसिक कॉज है, बेसिक रीज़न है, क्योंकि ये अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। किसी भी देश में सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज समान मात्रा में यानी सेम क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि ये नेचर गिवन है। जहाँ पर जो साधन प्रचुर मात्रा में होगा, अबेंडेंस में होगा, वो कंट्री उस वस्तु का उत्पादन करके, अधिक उत्पादन करके सरप्लस को विदेशों में निर्यात करेगा, और जो नहीं है उसका इम्पोर्ट करेगा। लास्ट टाइम पर भी हमने एक एग्जांपल गल्फ कंट्री के ऑयल प्रोडक्शन का लिया था। हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहते हैं कि केवल उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज में ऑयल रिजर्वेयर हैं और वो उसी के बेसिस पर अपनी पूरी इकोनॉमी को रन करते हैं, तो उसी का एक्सपोर्ट करते हैं और उससे जो अर्न करते हैं विदेशी विनिमय, उसके द्वारा इम्पोर्ट करके अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो प्राकृतिक साधन जहाँ जिस तरह का है, जिस मात्रा में है, वो कंट्री उसी के अकॉर्डिंग बिजनेस कर पाता है। ये एक बेसिक रीज़न है। दूसरी जो स्थिति है वो है भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब ज्योग्राफिकल लोकेशन में कई कंट्रीज ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा प्रोन है। जैसे हम जापान का एग्ज़ाम्पल लें, एवरी ईयर वहाँ पर परेशानियाँ होती हैं, कई तरह की प्राकृतिक कैलेमिटीज़ आती हैं। कहीं जलवायु बहुत अच्छी है क्लाइमेट के लिए, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें ऑस्ट्रेलिया का, जहां गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। भारत में जैसे एमपी का गेहूं प्रोडक्शन ज़्यादा है क्योंकि वहां का क्लाइमेट अच्छा है। जूट प्रोडक्शन की बात करें तो बांग्लादेश में जूट प्रोडक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है। ब्राज़ील में कॉफ़ी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होता है, वो उसका रीज़न है कि वहाँ की क्लाइमेट उसके कंड्यूसिव है या उनके अकॉर्डिंग है या उसके अनुसार है। तो नेचुरली हर कंट्री अपने उन्हीं वस्तुओं का, उन्हीं प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा जहाँ पर उनकी क्लाइमेट अच्छी है, जहाँ ज्योग्राफिकल सिचुएशन अच्छी है, जहाँ की लैंड फर्टाइल है या लैंड का टेक्सचर इस तरह का है कि वो स्पेसिफिक कमोडिटीज़ को ही प्रोड्यूस करती है,
तो अकॉर्डिंगली वो कंट्री उस प्रोड्यूस को करके और वो उसका एक्सपोर्ट करता है। एक और इसमें पॉइंट लेते हैं हम, प्राकृतिक आपदाएं या विपदाएं, नेचुरल कैलेमिटीज जिसमें हम लेते हैं बाढ़ आना, फ्लड्स, भूकंप, अर्थक्वेक्स हैं, सूखा पड़ जाना, और भी कई तरीके की ऐसी परेशानियां आती हैं जो नेचर गिवन है, जिनको हम कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक कंडीशन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो जिन कंट्रीज़ की स्थितियां एवरी ईयर ऐसी ही आती हैं, जैसे हमारे ईस्टर्न पार्ट में हमेशा ही फ्लड रहता है, वेस्टर्न पार्ट में हमेशा ही मानसून कम आ पाता है, तो अकॉर्डिंगली उन वस्तुओं का प्रोडक्शन उस हिसाब से किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जापान का एग्जांपल हम लें, हर साल जापान में बहुत ज़्यादा भूकंप की परेशानियां होती हैं, और उस वजह से उस कंट्री में उसी तरह की वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती हैं जिसका असर उस तरह का ना हो। तो ये प्राकृतिक आपदाएं भी कई बार इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि कोई भी देश किसी भी वस्तु का उत्पादन करने में सक्षम नहीं होता और उसे विदेशी व्यापार के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज़ भी एक कारण बनती है। अब आते हैं मेन सेकंड कॉज पर, इकोनॉमिक कॉजेज, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के डेवलपमेंट से रिलेटेड होती हैं। आज शायद ये सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई कंट्री बिना किसी आयात निर्यात के या इंटरनेशनल ट्रेड के वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप्ड स्टेज में ले जाए या डेवलप्ड से भी आगे एडवांस स्टेज पर ले जाए, क्योंकि उसे सभी वस्तुओं का उत्पादन करना उसके लिए संभव नहीं होता। जैसे हम पहला ही कारण लें, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हर इकोनॉमी की अपनी एक बड़ी आवश्यकता है कि वह अपना आर्थिक विकास करे। आर्थिक विकास में हम उसके सभी तीनों लेवल्स को लें, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इन तीनों का विकास करने के लिए वे सभी आर्थिक विकास के चार साधन जो हैं, मानवीय साधन, प्राकृतिक साधन, वित्तीय साधन और भौतिक साधन, इन चारों साधनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना शायद ही किसी देश में संभव होता है। इसलिए इन साधनों की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता और विकास की आवश्यकता, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आवश्यकता को बताती है या नीड को बताती है, इम्पोर्टेंस को भी बताती है कि हर देश विकास के क्षेत्र में या विकास के स्तर पर ऊपर चढ़ना चाहता है, जाना चाहता है, तो वह अपनी डिफरेंट नीड्स को, चाहे वो कैपिटल नीड्स हैं, चाहे वो लेबर रिलेटेड हैं, टेक्नोलॉजी वाइज हैं, तकनीक के आधार पर हैं, या रॉ मटेरियल से रिलेटेड हैं, जो भी हैं, इन सभी आवश्यकताओं की उसे फुलफिलिंग केवल इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू की जा सकती है। पूंजीगत साधनों की पूर्ति, सप्लाई ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज की बात हम करें, वित्तीय साधन जो किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है, बिना वित्त पूंजी साध के हम किसी भी विकास की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जो विकासशील राष्ट्र हैं, जिनका पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में बहुत बड़ा नंबर है, उन्हें अपने विकास के लिए पूंजीगत साधनों की आवश्यकता अधिक होती है और उन साधनों की पूर्ति वो विदेशों में अपनी वस्तुओं का निर्यात करके विनिमय के द्वारा, विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा के द्वारा पूरा करते हैं और फिर वे अपने विकास के लिए पर्याप्त साधन जुटाते हैं। तो इन पूंजीगत साधनों की पूर्ति का भी एक बहुत बड़ा रोल है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत, जो कि हमारे अर्थशास्त्रियों ने दिया, उन्होंने यही कहा कि किसी भी किन्हीं भी दो राष्ट्रों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख कारण है तुलनात्मक लागत। यदि कोई दो राष्ट्र एक दो वस्तुएं बनाते हैं तो दोनों की लागत समान हो
ये बिल्कुल संभव नहीं है। उन दोनों ही साधनों के उत्पादन में एक देश कम लागत पर बनाता है और दूसरा देश उसको अधिक लागत पर बना पाता है, तो कॉस्ट डिफरेंस होने के कारण ट्रेड होता है। और यही तुलनात्मक लागत का सिद्धांत है। इसमें ये ज़रूरी है कि जो कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करता है वह उसका निर्यात करे, और जो अधिक कॉस्ट पर निर्माण करता है किसी वस्तु का वो उसको आयात करेगा, तभी दोनों देशों को उसमें लाभ होगा। अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट कारण है अर्थव्यवस्था नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का। अवसर लागत के आधार पर किसी देश में यदि बहुत अच्छे उद्योग हैं और बड़ी मात्रा में वो उत्पादन कर लेते हैं, तो उस एक्सेस प्रोडक्शन का निर्यात करके उस देश के द्वारा विदेशी विनिमय को अर्जित करना एक अच्छी नीति मानी जाती है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, जैसा कि हम शुरू से ये देखते आए हैं कि हर कंट्री अपने यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्किल डेवलप कर लेता है अपने कंट्री के ह्यूमन रिसोर्सेज के बेसिस पर, मानवीय साधनों के आधार पर, प्राकृतिक साधनों के आधार पर, वित्तीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर, तो इन आधारों पर वो ये डिसाइड कर पाता है कि उसे किन वस्तुओं का उत्पादन अधिक मात्रा में करके एक्सपोर्ट करना है ताकि वह अधिक से अधिक विदेशी विनिमय अर्जित करे और अपने विकास को आगे ले जाए। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है सामाजिक कारण, सोशल कॉजेज। सामाजिक कारण भी बहुत महत्व रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, और इसको हम इस तरह से देख सकते हैं, जैसे सांस्कृतिक भिन्नता, हम सभी जानते हैं हर देश की भाषा, रिवाज, रहन सहन, खाना पीना, जीवन स्तर, सोचने का तरीका, ये सभी डिफरेंट होते हैं, लेकिन फिर भी एक हमारे में एक जिज्ञासा, एक एक्साइटमेंट होता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर को जानें। उस कल्चर को जानने के लिए ज़रूरी है कि उन देशों के बीच में सेवाओं का, वस्तुओं का विनिमय हो, और उस आधार पर हर कंट्री एक दूसरे से ट्रेड के बेसिस पर जुड़ते हैं। विभिन्न वस्तुओं के उपभोग की इच्छा, डिज़ायर ऑफ वेरिड कंजम्पशन, और आज की वर्तमान परिस्थितियों में तो ये बहुत ही मतलब एक सामान्य सी बात हो गई कि हम अपने देश में उपलब्ध सभी प्रकार की वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं, उनका उपभोग करना चाहते हैं, क्योंकि वो सभी प्रकार की वस्तुएं विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा निर्मित हैं और हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, और इसी कारण सभी देश सभी प्रकार की वस्तुओं का अपने यहाँ पर उपलब्धता समाज के समक्ष रखते हैं, और उससे सभी देशों के वस्तुओं को उपभोग करने की समाज में एक डिज़ायर होती है। लास्ट में पॉइंट है समाज के विकास का स्तर। ये मैं मानती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ये भी देखा जाता है कि किसी भी देश के मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, या समाज का प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार की सोच रखता है टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, यानी किसी देश के विकास के लिए वहाँ के समाज के लोग कितना सोचते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस आगे बढ़ने के लिए वो किस प्रकार के साधनों का उपभोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उसी आधार पर उस राष्ट्र का निर्माण होता है या उस राष्ट्र का विकास होता है। तो इस तरह से ये कहा जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है या उसकी आवश्यकता क्यों है, अब उसकी कोई कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस नहीं रही, क्योंकि हर राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं के लिए ही नहीं बल्कि विदेशी विनिमय के लिए भी ज़रूरी मानता है कि वह दूसरे राष्ट्रों के साथ ट्रेड रिलेशंस रखे, अपने देश का विकास करे, और विकास के स्तर पर कोई सीमा नहीं है, हर देश आगे से आगे बढ़ना चाहता है, विकास करना चाहता है, और जिन संसाधनों की कमी उस राष्ट्र में है उसके लिए वह अन्य राष्ट्रों से इंपोर्ट करता है,
और जिस वस्तु का उत्पादन अधिक मात्रा में करने के लिए उसके सभी प्रकार के चारों रिसोर्सेज अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल हैं, अच्छे मतलब ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन के साथ वह अन्य राष्ट्रों को उस वस्तु का अधिक उत्पादन करके निर्यात करता है। यही कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी बहुत समय से अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताई गई, लेकिन अब आधुनिक सिद्धांत अलग बात कहते हैं, जो ये कहते हैं कि श्रम व पूंजी की गतिशीलता के अलावा और कोई कारण नहीं है कि हम विदेशी व्यापार के लिए अलग से कोई सिद्धांत की बात करें, जिसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।